Hi everyone, how are you? This is Dr. Chavegar. Welcome to my channel, Krishna Institute of Law. मैंने अभी तक आपको अपने previous lecture में बताया है कि equity share capital कैसे होती है और जो है preference share capital किसे कहते हैं. आज मैं बताऊंगी आपको company का member आप किस किस तरीके से हो सकते हैं. ठीक है, how to acquire the membership in a company. इसके बहुत सारे तरीके हैं और मैं आपको बताऊंगी किन किन तरीके से आप मेंबर हो सकते हो. मेंबर का मतलब है आपका नाम एज ए शेयर होल्डर कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा गया है. अगर आपका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा जाता है तभी आप मेंबर कहलाते हैं और शेयर होल्डर कहलाते हैं. अगर आपका नाम कंपनी के जो रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर है उसमें नहीं लिखा हुआ है तो आप मेंबर नहीं कहलाते हो. तो अब हम ये देखते हैं कि किस किस तरीके से जो है हम मेंबर बन सकते हैं. सबसे पहला है मेंबरशिप बाय सब्सक्रिप्शन. मैंने आपको जब मेमोरेंडम का लेक्चर लिया था तो आपको बताया था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपके सब्सक्राइबर होते हैं. सब्सक्राइबर कौन होते हैं? जो ये कहते हैं हमें कंपनी फॉर्म करनी है, इस चीज़ के लिए हम कंपनी बना रहे हैं और वो मेमोरेंडम पे अपने सिग्नेचर जो है करते हैं विटनेस की प्रेजेंस में, तो उन लोगों को हम सब्सक्राइबर बोलते हैं. ये जब कंपनी बन जाती है तो ये सब्सक्राइबर जो हैं फिर मेंबर्स कहलाते हैं. तो इसलिए मेंबरशिप जो है सब्सक्रिप्शन से भी ली जा सकती है. तो जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर होते हैं कंपनी के बनने के बाद वो कंपनी के मेंबर भी बन जाते हैं. नेक्स्ट है आपका मेंबरशिप बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. देखिए जब कंपनी जो है प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, प्रॉस्पेक्टस क्यों इशू करती है? जिससे कि वो कैपिटल को इशू करती है पब्लिक को कि पब्लिक उसे सब्सक्राइब करे. तो पब्लिक जब सब्सक्राइब करती है तो वो सबसे पहले क्या करती है? एप्लीकेशन मनी देती है. अब उसमें से कंपनी देखती है कि मुझे किस किस को जो है अलॉट करना है, जो भी उनका मेथड होता है. तो जिस जिस को कंपनी जो है शेयर अलॉट कर देती है तो अलॉटमेंट के बाद वो सभी लोग जो है कंपनी के मेंबर कहलाते हैं और उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ जाता है. तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया कि जब जो भी शेयर होल्डर है वो अपनी अलॉटमेंट मनी पे कर देता है. तो अलॉटमेंट मनी का क्या मतलब है कि कंपनी ने अब शेयर अलॉट कर दिए तभी उन्होंने अलॉटमेंट मनी उनसे मांगी है, उसके बाद से जो है वो कंपनी का मेंबर कहलाता है. देन है बाय ट्रांसमिशन. ट्रांसमिशन में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम जो है कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ रहा है लेकिन उसकी डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है अब वो मेंबर माना जाता है और ज़रूरी नहीं है कि उसका नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर्ड हुई. वो इन शेयर को एज सच बेच सकता है लेकिन अगर वो चूज़ करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो अब उसकी जगह जिसकी डेथ हो गई है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम जो है रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री हो जाएगा. तो इसे हम कहते हैं बाय ट्रांसमिशन मेंबर कैसे होते हैं. देन नेक्स्ट है मेंबरशिप बाय क्वालिफिकेशन शेयर. आपको पता है कि कंपनी के डायरेक्टर होने के लिए कुछ शेयर जो हैं उन्हें क्वालिफिकेशन किए लेने पड़ते हैं क्योंकि डायरेक्टर क्या होते हैं? कंपनी को मैनेज करते हैं. तो उनको शेयर लेने की एक क्वालिफिकेशन शेयर लेने की इसलिए कहा जाता है ताकि उनका कंपनी के मैनेजमेंट में थोड़ा और ज़्यादा इंटरेस्ट हो, उन्हें लगे ये कंपनी बिल्कुल हमारी है. तो जब वो जो है शेयर क्वालिफिकेशन शेयर ले लेते हैं तो उनका नाम भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ जाता है और वो भी मेंबर बन जाते हैं. देन है मेंबरशिप बाय ट्रांसफ़र. अब देखिए आपने एक तो होता है जब कंपनी इनिशियली इशू करती है शेयर को तो अब तो होते हो आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी के देने के बाद. एक होता है कि कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, अब आप ओपन मार्केट में उसकी खरीद और बेच रहे हो. जैसे आपने देखा होगा शेयर ब्रोकर पैसा लगाते रहते हैं या आप भी शेयर में पैसा लगाते रहते हो कि आज हमने रिलायंस का पैसा मतलब शेयर लगाया या हमने विप्रो के लगाए. इसका मतलब क्या है? रिलायंस कंपनी ने शेयर तो इशू कर लिए, अब जो आप पैसा लगा रहे हो जो खरीद रहे हो बेच रहे हो वो ओपन मार्केट में कर रहे हो. तो ओपन मार्केट में अगर आप शेयर खरीद लेते हो तो इसका मतलब बाय ट्रांसफ़र आपने जो है मेंबरशिप ले ली है. फिर है आपका मेंबरशिप बाय बेनिफिशियल ओनरशिप. बेनिफिशियल ओनरशिप का मतलब होता है कि आप पे कंपनी के इक्विटी शेयर्स हैं और आपका नाम डिपॉजिटरी में बेनिफिशियल ओनर की तरह भी आ रहा है. तो ऐसे बेनिफिशियल ओनर जिनका नाम डिपॉजिटरी में आता है और जिनके पास इक्विटी शेयर होते हैं वो भी कंपनी के मेंबर कहलाते हैं. और लास्ट पॉइंट है आपका बाय एस्टॉपन.
एस्टॉपल में क्या होता है कि गलती से कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर पे रियल जो असली उनका शेयर होल्डर है मेंबर उसका नाम ना लिख के किसी और का लिखा गया, लेकिन जो कंपनी का रियल शेयर होल्डर है वो इस बात पे ऑब्जेक्ट नहीं करता और वो कहता है कि आप इसे लिखा ही रहने दीजिए। तो जिसका नाम गलती से लिखा गया है वो भी मेंबर माना जाता है कंपनी का बाय एस्टॉपल। तो आपको क्लियर हो गया, तो इसका मतलब इन इन तरीके से आपकी जो है मेंबरशिप जो है आप एक्वायर कर सकते हैं। एक रिविजन की फॉर्म में मैं आपको क्विकली बताती हूँ कि एक तो आप जो है जो सब्सक्राइबर होते हैं उनका भी वो जो है मेंबर कहलाते हैं। एक जब कंपनी नई फर्स्ट बार जब शेयर इशू करते हैं तो जैसे आपको शेयर्स का अलॉटमेंट होता है तब आप पे शेयर आ जाते हैं। एक होता है कि अगर आप ओपन मार्केट से शेयर खरीद लेते हो तो आप ट्रांसफर के थ्रू बनते हो। फिर होता है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी मेंबर माने जाते हैं। एक होता है बाय एस्टॉपल, अगर गलती से किसी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में चढ़ गया है और रियल शेयर होल्डर इस पे ऑब्जेक्ट नहीं करता तो जिसका गलती से नाम चढ़ा है वही उसका मेंबर माना जाएगा। और डायरेक्टर अगर क्वालिफिकेशन शेयर ले लेते हैं तो वो भी जो है मेंबर उतने शेयर तक के लिए मेंबर होते हैं, उनका नाम भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री हो जाता है। तो ये थे हमारे डिफरेंट वे जिससे कि आप कंपनी में जो है मेंबरशिप ले सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। बाय बाय।